हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईपैड एयर के बारे में और इसको मैं बताऊंगा पूरा अनबॉक्सिंग करके कि कितने रुपए में मैंने इसको खरीदा है। पूरे डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे दोस्तों देख सकते हो, मैंने इसको बिग बिलियन डेज में खरीदा था, लेकिन काफी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आईपैड एयर मैंने कितने रुपए में लिया है। देख सकते हैं आपको इस तरीके का पूरा मिलने वाला है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा आपको पैड इस तरीके से मिल जाता है। मैं अभी आपको इसको खोल करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों इसकी जो मैंने अनबॉक्सिंग तो पहले से कर ली थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ओपन बॉक्स की डिलीवरी जो है मिलती है अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं कोई भी महंगा प्रोडक्ट। इसको हम लोग खोल करके देख लेते हैं कि क्या क्या इसके साथ में रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको आईपैड खोल लिया है। इसके साथ में इस तरीके से मैंने फिर से पैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन हालांकि इसने अच्छे से ये पैक नहीं हो पाया था। तो मैंने इसका पूरा जो सेटअप वगैरह है पूरा कर लिया था। देख सकते हैं ये हमारा आईपैड है, इसको हम लोग रख देते हैं साइड में और देख लेते हैं इसके साथ में और क्या क्या चीजें मिल जाता है। तो इसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पास मैं देख लेता हूँ। इस पे आपको इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं और इसमें और देख लेते हैं क्या है। हाँ, और दोस्तों इसमें एक आपको एप्पल का लोगो मिलता है, जो कि मैंने एक एप्पल का लोगो जो है अपने मैं कवर पे लगा चुका हूँ और इस पे कुछ भी चीजें नहीं मिलती है। तो इनको मैं रख देता हूँ साइड में। इसके बाद में देख लेते हैं इसका एसेसरीज क्या क्या चीजें मिलता है। इसके साथ में मिलता है ये एक एडेप्टर और इसके साथ में एक मिलती है ये डाटा केबल। तो ये सब चीजों को अब हम लोग रख देते हैं साइड में। अब हम लोग देखने वाले अपना मेन प्रोडक्ट जो है आईपैड एयर, और बताऊंगा लास्ट में दोस्तों कितने का लिया, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, अब इसको हम लोग खोल लेते हैं। ये दोस्तों हमने निकाल लिया है, अब देख सकते हैं दोस्तों इसका मैं आपको दिखा दूं तो काफी स्लिम रहने वाला है दोस्तों। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, ये पूरा अगर हम लोग बात करें इसके डिस्प्ले की तो 10.9 इंच की इसकी डिस्प्ले होती है, जो कि रेटिना डिस्प्ले आती है। और इसके अगर मैं बात करूं, मैंने वेरिएंट लिया हुआ है 64 GB का और इसमें 4 GB की रैम मिलती है और A14 बायोनिक चिप मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब बात करने वाला हूँ, ये है Air 4। हाँ दोस्तों, मैंने Air 4 बाय किया हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर है और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी निकाल करके ये दे देता है। अभी चलिए, मैंने दोस्तों जैसे आपको बताया था, मैंने इसका सेटअप वगैरह पूरा कर लिया है। तो मैं इसका पूरा सेटअप देख सकते हैं, पूरा मैं कर लिया था और आपको मैं यहाँ पास दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पास मैं इसका पूरा जो भी अपना आईडी वगैरह डाल दिया था, क्योंकि दोस्तों मेरे पास पहले से iPhone 12 था, तो मैं उसमें से इसको देख सकते हैं, ये इस तरीके से मिल जाता है। तो ये चीजें आप दोस्तों देख सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसका जो बेंचमार्क स्कोर है वो कितना आया था। तो क्योंकि दोस्तों मैंने इसका बेंचमार्क वगैरह निकाल लिया था, तो देख सकते हैं इसका जो बेंचमार्क है ये आपको देखने को मिल रहा होगा, तकरीबन 10 लाख के ऊपर का मिल जाता है, 10 लाख के ऊपर निकाल करके देता है। तो दोस्तों मुझे ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस में बहुत ही बेटर लगा। और इसकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो हर चीज में ये काफी बेटर है, और अगर आप गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में भी बहुत ही बेटर ये निकल करके आता है। तो इसके बाद अगर हम लोग दोस्तों बात करें आईपैड की, तो ये दोस्तों काफी ज्यादा स्लिम है, देख सकते हैं काफी ज्यादा स्लिम रहने वाला है। अगर हम बात करें दोस्तों आईपैड एयर और आईपैड 5 4 में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब अगर आप बाहर से देखोगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, सिर्फ उस पर एक चीज चेंजिंग दी गई है, जिसमें आपको M1 चिप दी जाती है, जो कि मैकबुक वगैरह में दी जाती है, उसकी परफॉर्मेंस और भी बेटर होती है। लेकिन दोस्तों इसकी भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकल करके आती है। इसका अगर मैं कैमरे की बात करूं, तो ये जो कैमरा है ये 12 MP का है, और इसके बाद में जो आगे इसका जो कैमरा दिया गया है, ये कैमरा निकल करके आता है आपका 8 MP का। और अगर बात करें इसकी क्वालिटी की, तो इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है काफी अच्छी आती है और बेटर क्वालिटी निकाल करके ये दे देता है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके का कुछ रहने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी प्राइसिंग की, तो ये प्राइसिंग की बात की जाए तो ये हमें पड़ा हुआ है 35,000 रुपए का। हाँ दोस्तों, ये 35,000 रुपए का मुझे पड़ा हुआ है बिग बिलियन डेज में। तो इस तरीके का कुछ आपका देख सकते हैं पैड रहने वाला है और काफी यूनिक डिजाइन के साथ में आता है। और दोस्तों यहाँ पास अगर हम लोग बात करें पैड की, तो मैं इसमें से क्या करता हूँ, मैंने इसको बेशक लिया हुआ है सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए। जो भी हमारी यूट्यूब की वीडियो होती है, उस वीडियो को मैं इससे एडिट करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं 3 से 4 दिन इसको हो चुका है लिए हुए। तो मैंने जितनी भी वीडियो वगैरह एडिट करी हुई है, 4K में हो गया, 1080p भी हो गया, 1080p पे वीडियो तो इतनी जल्दी रेंडिंग हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर 10-15 मिनट की वीडियो है तो 1 से 2 मिनट में आसानी से बन जाती है। अगर 4K की अगर आपकी वीडियो है, 20 से 22 मिनट की भी वीडियो मैं बनाया हूँ इससे अभी 2 दिन पहले ही बनाया था, तो ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में पूरी रेंडिंग हो जाती है 4K 60 MPPS में। तो इसकी स्पीड वगैरह बहुत ही अच्छी है। और बात करूँ दोस्तों इसके
परफॉर्मेंस की, तो अगर इसमें गेम खेलना चाहते हैं, अगर आपको गेमिंग के लिए लेना है तो एक नंबर है। और ये थोड़ा सा एक चीज़ ये इशू आता है, अगर आप 4K में वीडियो एडिट करते हैं तो ये थोड़ा सा वॉर्म हो जाता है, थोड़ा सा ये गर्म होता है पीछे साइड में इतनी दूर पर जहाँ इसका प्रोसेसर लगा हुआ है। बाकी 1080p भी करने में किसी तरीके से कोई भी गर्म नहीं होता, हीट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की वीडियो एडिट करते हैं, अगर आप 4K की से 5K 10K की वीडियो एडिट करते हैं तो शायद ही आपके लिए ये नहीं है, आपको M1 चिप वाला लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है उसका प्राइस ऑफर में आया था 45,000 रुपये, लेकिन 45,000 रुपये सिर्फ ये सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए था, उसके बाद वो 50,000 हो गए। इस टाइम पे तो 60,000 उसका प्राइस चल रहा है। इसके लिए मैंने आईपैड एयर का जो लिया हुआ, इसकी अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले, तो डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्प्ले वगैरह दिखा देता हूँ कि इसकी डिस्प्ले की 4K में किस तरीके से रहने वाली है। अगर बात करूँ दोस्तों तो इसकी जो 4K में वीडियो बहुत ही क्वालिटी की चलती है और बेटर क्वालिटी में ये दे देता है। देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी की 4K में जो वीडियो है किस तरीके से रहने वाली है। और मैं अभी आपकी इसकी आवाज़ को भी दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस पर आपका 2 स्पीकर दिया हुआ है, इधर दिया गया है और एक नीचे दिया गया है, तो 2 स्पीकर दिए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अगर दोस्तों हम लोग बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो काफ़ी अच्छा इसका दोस्तों परफॉर्मेंस रहने वाला है। और बात करें इसकी ब्राइटी की, तो ये ब्राइटी भी आपको बहुत ही अच्छी निकाल करके दे देता है। इसकी बैटरी बैकअप की बात करें दोस्तों, बैटरी बैकअप इसका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा इस तरीके से ये इसकी डिस्प्ले जो है काम करती है, ये दोस्तों देख सकते हैं। तो 4K में होने वाली है दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इस तरीके से आपको मिल जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी डिस्प्ले भी काम। अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ इसकी जो है इसकी वॉइस कैसी रहने वाली है। वॉइस इसका दोस्तों बहुत ही अच्छी होने वाली है, मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ, यूनिक होने वाली है दोस्तों। अगर आप इसको मतलब लेते हैं तो आपको मतलब अच्छा ही लगने वाला, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पास परफॉर्मेंस जो है इस टैब में मिल जाती है। जो कि आप बहुत सारे MI वगैरह के टैब आते हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें जो फैसिलिटी दी गई है वो कुछ बेटर ही दी गई है। तो ये चीज़ें आप दोस्तों देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पास आपको एक म्यूज़िक दिखा देता हूँ और उसको दिखा देता हूँ इसका वॉइस कैसे रहने वाला है, देख सकते हैं। ये देखिए तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आपको परफॉर्मेंस और इसकी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। अब जब दोस्तों आप हमें इस पैड के रिलेटेड क्या पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो चीज़ें मैं बनाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।